वेलकम टू पब्लिक डिमांड। मैं मोहसिन अब्बास हैदर और ये हैं सुमेरा सगीर। एग्जैक्टली ओके, सो मामलात कुछ यूं हैं, हालात कुछ यूं हैं, तासुरात कुछ यूं हैं आज के इकॉनमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सदाबहार मसला तो है ही, लेकिन एक ऐसा बड़ा और संगीन मसला है कि जिसकी जानिब हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है, और वो है क्लाइमेट चेंज। हमें दरख्त लगाने चाहिए लेकिन हम एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। एग्जैक्टली और लालो दरख्त नहीं होने तुम्हारे 188 पर्चे। हमारे ग्लेशियर्स की बर्फ तो तेजी से पिघल रही है लेकिन हमारे सियासतदानों के बीच की बर्फ बिल्कुल नहीं पिघल रही। एक तो पहले ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है हम लोग, ऊपर से हमारा सियासी दर्जा हरारत नीचे आने का नाम नहीं लेता। तो नतीजा कुछ ये है मेरे दोस्त के एक जराई मुल्क में आटा 160 रुपए किलो बिक रहा है। टेका लगाओ। क्या करवा रहे हो वहां हमसे? खुद तो मुगले आजम हमको अनारकली समझ रहे हो क्या? बनाना चाह रहे हो करप्शन, नाइंसाफी और बेरोजगारी में तो हम टॉप लिस्ट पे थे ही, लेकिन अब हम उन टॉप 20 कंट्रीज में शामिल हो चुके हैं जो बदतरीन क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं। मौसमी बारिश में हम चाय के साथ कुछ पकौड़े चलते हैं, बैठ जाते हैं और किशोर कुमार के नगमे सुनते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फसलें बर्बाद हो रही हैं और फिर ब्लेम करते हैं हुकूमत को कि उनसे आटा सस्ता नहीं हो रहा। ठेका लगाएंगे इस पे। तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, दरख्त पे जानू का नाम लिखने की बजाय जानू के नाम का दरख्त लगाओ, हो सकता है जानू मान जाए, है? लगे ठेका। तो होता रहेगा सबका कॉमेडी डिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। तो नाज़रीन अकराम, आज के हमारे जो मेहमान है बाप और बेटे की एक ऐसी रेयर जोड़ी है जो कि देखने में नहीं मिलती। बाप बेटा कब दोस्त ज्यादा लगते हैं यार, इतने टैलेंटेड, इतने ब्लेस्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो बेटा, देखो दो बार नेशनल अवार्ड विनर है, नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, अरे कमाल करते हो यार। तो अब तशरीफ लाते हैं जनाब वारिस बेग साहब और उनके साहबजादे अम्मार बेग। एवरीवन वेलकम टू द शो सर, वी आर रियली ऑनर्ड और आपको भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार मिल रहे हैं। सो ये जो नायाब गीत का आपने छोटा सा एक क्लिप सुना है ना, ये पूरा गाना आपको हम पब्लिक न्यूज में सिर्फ पब्लिक डिमांड पे एक्सक्लूसिवली सुनाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के इख्तिताम में। वादा? वादा। मैंने कभी आपको कैजुअली नहीं देखा, आपका एक बाल भी बिखरा हुआ नहीं देखा। तो मेरा ये सवाल है पहला कि आप दोनों बाप बेटा जो हैं एक दूसरे को गायकी में टफ टाइम दे रहे हैं या ड्रेसिंग में दे रहे हैं? गायकी में ज़्यादा टफ टाइम ये दे रहा है मुझे। नो 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 नो। ओके, यू एक्सेप्ट इट? आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैंने सीखा ही सब कुछ इनसे, तो मैं इनको कैसे टफ टाइम दे सकता हूँ? कभी ऐसा हुआ है कि आप नहाने गए हैं अंदर, पूरा गाना गुनगुनाते हुए तौलिया शौलिया लेके अंदर गए हैं, कपड़े आपने निकाल के रखे हैं प्रेस करके और ये वो, बाहर आए होते हैं बजने पा लेने वही कपड़े? नहीं, मुझे टाइट है इसके। मैं इनके शूज पहन लेता हूं, उनकी शर्ट्स पहन लेता हूं, उनको मेरे नहीं आते। ओके, अच्छा आपका वेट लॉस जर्नी है, मुझे लगता है कि हमें ऐसी चीजें फ्लॉन्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फिटनेस की आजकल के दौर में जो बच्चे हमारे जितने भी लड़के हैं कॉलेज गोइंग है वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं या ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पड़ते हैं, तो ऐसे बच्चे ऐसे लड़के और ऐसे लोग तमाम हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज अपने उस पर भी थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें। मोहसिन भाई, आपके जब मैं आते ही साथ मैंने आपसे ये बात की, आई वॉज 86 व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द यूएस, 86-87, नाउ आई एम 64। तो मैंने बहुत कार्डियो किया, मैं बहुत भागा हूँ, आई एम रियली वोकल अबाउट इट। आई थिंक अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आई डिडंट गो टू द जिम, एवरीबॉडी नोज माई रूटीन। मैंने कार्डियो बहुत किया, मैं बहुत भागा हूँ, एंड इट्स रियली हेल्पफुल। हॉलीवुड में गाया, साहबजादे ने हॉलीवुड में गाया, तो जो बॉलीवुड है वो हमने राहत भाई की नजर कर दिया क्या? 2004-05 में मैंने वीडियोस की थे दो इंडिया में, एक में तो मलाइका अरोड़ा थी, एक वीडियो में वो पंजाबी था मेरा, तेरी जुल्फ था कुंडल खंजर, और दूसरा था अमृता अरोड़ा के साथ। अच्छा, दोनों बहनों के साथ काम किया आपने? तो ये जो मलाइका जी की तलाक थी अरबाज साहब से, उस गाने की बात हुई थी? बचा आप तो नहीं है सर। क्या अमार को इसके बारे में पता है?
नहीं, हमारा तो बहुत छोटा था तब, 5-6 साल का था। अब पता लग गया आपको? अब मुझे पता लग गया ना? मेरी खैर है, मम्मी को पता कि नहीं पता। हम जो सिंगर लोग होते हैं बड़े पक्के होते हैं, घर में सुकून रखते हैं अपने पूरे। अमार बेग यानी मुगलां दा मुंडा ते खान साहब दी एलीट च जाके, यानी राहत फतेह अली खान साहब के एक फंक्शन में, यानी उनकी सालगिरह पर खास तौर पर आपको मधु किया गया और आपसे गाना सुना गया, इस एहसास के ऊपर जरा रोशनी डाल। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं तो बचपन से खान साहब को बहुत सुनता हूँ। बल्कि इसने एक शो ओपन किया खान साहब का दुबई में लास्ट मंथ। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, सबसे गिटार पे इसने गाया था। सो जरा अगर उसकी एक झलक पब्लिक डिमांड के लिए हो जाए। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखी है जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, गनों में छुपा रखे हैं जो गिरे। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले। जो वेस्टर्न नोट्स का मजा लिया ना मैंने इसमें, बड़ा हसीन इम्तिजाज किया आपने, क्या बात है। ये वही उसने बात की ना कि वो मक्खी पे मक्खी मारने वाला अपना रंग तो जरूर बताना ना उसके। लेकिन एक अचंभे की बात यह है कि आपकी उम्र के जो नौजवान हैं वो जाहिर है कि वो आतिफ असलम साहब को सुनते हैं, अली जफर साहब को सुनते हैं, मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं बेसिकली। लेकिन आप घर में हुसैन बख्श गुल्लू साहब को, गुलाम अली साहब को दावतों पर बुलाते हैं, तो ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। भाई आई रियली लाइक, आई लव आतिफ असलम एंड अली जफर, मैं सबको सुनता हूँ, बहुत शौक से सुनता हूँ। बट अपने लेजेंड्स को इज्जत देनी बहुत जरूरी है, और अगर आप उनको इज्जत देंगे तो शायद अल्लाह आपको भी देगा। बेग साहब, आदाब। आदाब अमार, आदाब। हाय हाय। बेग साहब, आपने अमार को जितना बाअदब बनाया है, देखिएगा इनके लिए लड़की भी कोई प्यारी सी हो, घरेलू हो, सुगर हो। बहुत समझदार आदमी, वो कर लेंगे ये काम खुद, है ना? ना बाबा ना, इसी बात का तो डर है, अमार ने कहीं कोई गलत फैसला ले लिया तो। अल्लाह, I don't even know what to say, मुझे तो पसीना आना शुरू हो गया। ओ मुंडा घबरा गया साडा। बट साहब, बच्चे पर रहम करें, मेहमानों को कुछ चाय में पूछे आप ना। हाँ? अब मेरी बात खराब मत कीजिए। बेग साहब, आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, फिर बाद में गिला करेंगे कि बहू नाश्ता नहीं देती, मोबाइल पे लगी रहती है, कुकिंग नहीं आती। आप ज्यादा दूर दूर मत देखिएगा, पास ही रहिएगा। जी अमार ने हॉलीवुड में शूट किया है, आप जहांगीर के मकबरे पे टिकटॉक बनाती हैं, फर्क तो देख लो। कोई बात नहीं, अमार के पापा ने भी तो लाहौर में अपनी पहली वीडियो बनाई थी, हो सकता है मैं भी अमार के साथ हॉलीवुड में टिकटॉक बनाऊं। बच्चा बचाए बेग साहब, बच्चा बचाए। बच्चा बचाए बचाया। बच्चा बचाएं, उन पे क्या हमला हो गया? हमले हो रहे हैं। जितनी आप करीब खड़ी हो, पसीनों पसीन हो गया लड़का हमारा। ये करीब है? मेरे हिसाब से तो आप अनकरीब हैं। सुना है आजकल फॉलोवर्स देख के रेट्स डिसाइड होते हैं कि किसको काम देना है किसको काम नहीं देना। मैं समझता हूँ कि जो कानों को अच्छा लगता है ना ज्यादा, उसके हिसाब से रेट डिसाइड होना चाहिए। यहाँ पे तो लोगों के बहुत ज्यादा लाइक्स हैं, और मैंने देखा है जितने लाइक्स हैं ना उतने नालायक हैं। अच्छा, मैं ना समझ गई कि आपने नालायक किसको कहा है। अमार, अगर जूस पीना हो तो जूस कॉर्नर पे आ जाना। मैं तो कभी ऐसी ऑफर ना कराई तुमने। अमार, हुसैन बख्श गुल्लू साहब का जो गाना है उस्ताद मोहतरम का, वो कमर्शियलिज्म से बहुत दूर है। आप क्या करते हैं, आप उनका कमर्शियल वर्जन बनाकर गाते हैं या वही वाला वर्जन गाते हैं? वो जो गाना है उसकी मेलोडी इतनी खूबसूरत है कि आई थिंक जो लोग म्यूज़िक अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं हमसाए मुल्क में, उस गाने की
बहुत अच्छी तरह कॉपी हुई है और मैं आपको सुनाता भी हूँ। सुन के पता चलेगा कितनी खूबसूरत है। सुनिए जे तेरे नाले दगा मैं कमावा, तेरब करे मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जे तेनु छड़ जावा, तेरब करे मैं मर जावा। थैंक यू। ऐसा ठहरा हुआ मधुर बहता हुआ गाना, क्या बात क्या बात। कल जब मैंने देखा चांद जलों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। ओ ओ ये कहेंगे कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम मेरे तोते ने। है कौन आप? ओ भाई चलते शो में आ जाते हैं, कौन? पहचाना नहीं? नहीं, फर्स्ट लेडी। फिर भी नहीं समझे, इस तरफ से फर्स्ट एंट्री हुई है लेडी की, तो फर्स्ट लेडी। लेकिन आपने पूछा कौन है, तो कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? एथिक तक ही सुना दे। अच्छा चलो बैठ के सुनानी है, बैठ के बैठ रख लें आप। उफ मैं वो हूं इतनी मनहूस जिसे आज तक सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। बच्चे आपके साथ होंगे? नहीं, एक ही है सता मरगा। अपने प्यार की निशानी के सामने कैसी बातें कर रही है मामा? तू चुप कर मामा। बात सुने मोहसिन जी, हूं तो बदनसीब जिसे मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन मेरा पहला क्रश एक क्रिकेटर था। अच्छा जी। आए दिन उसके स्कैंडल आया करते थे, लेकिन मैंने कभी दिल छोटा नहीं किया। तो फिर दिल टूटा कैसे? उसने एक सियासी पार्टी बना ली। उसके बाद अचानक वारिस बेग की शोबिज में एंट्री हुई, तो मेरे क्रश ने पार्टी बदल ली। पार्टी बदल ली? मामा वो वारिस बेग था या फवाद चौधरी? बेटे डर लोटा टैप क्रश मेरा ना कर। अच्छा अम्मी हेलो। नहीं वो इतनी प्यारी है, अम्मी कैसे कह सकते हैं आप? मेरी को होस्ट है, आपको अम्मी कह रहा हूँ। डोंट कॉल मी अम्मी, मैम। जी मैम, अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानियाँ सुना के हमें बोर मत करें, बताएं करने क्या आई हैं? क्या बताऊँ मोहसिन, मेरी किस्मत में वारिस बेग का साथ तो नहीं था। शुक्र। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इनकी जायदाद का वारिस बन, सॉरी मेरा बेटा इनकी शागिर्दी में जाए और इनसे मौसीकी सीखे, फन सीखे। मैं तो इनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैंने अपने बेटे का नाम भी इनके नाम पे रखा है। Really? क्या नाम है इनका? वारिस देग। वारिस पापा। वो बस बंद करो स्टूपिड, शो से निकाल देंगे। वारिस अंकल प्लीज 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 मुझे गाना पीना सिखा दे। मैम एक बात को रिमाइंड तो नहीं करेंगे? नो नो आप कीजिए। आपका क्रश तो मैं हो सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन लगता है संगत आपकी फवाद चौधरी के साथ। नहीं, जिन दिनों में मेरा ये बेटा होने वाला था मैं हल्क फिल्म देखा करता। वारिस आओ मिल जाएं सुगंध और सुमन की तरह, अगर वैसे नहीं मिल सकते तो पीडीएम की तरह मिल लेने हैं। प्लीज मुझसे दूरियां ना बढ़ाओ, नजदीक आ जाओ मेरे। वारिस अंकल, मामा ने कमरे में आपकी बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं। अंतरया पहले है दस सारे कमरे की तलाशी तो नहीं ले बैठे। असल में मैं जिन दिनों में ये होने वाला था आपकी तस्वीरें देखा करती थी, और देख लें रिजल्ट हूबहू आप जैसा है। वो रिजल्ट है जरा पर्चा करान तो पहले ले ही रहे। शुक्र है रिजल्ट पहले ले लिया, नहीं तो यह जी हरकत तो बाद पर्चा हो ही जाएगा। मामा वो बातें तो होती जाएंगी, वो मैं टेबल से कुछ खा लूं, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा ये शो चल रहा है, इधर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, प्लीज ये खाने पीने की चीजें उठाएं, मेरा बच्चा बड़ा मुंह छोट जाए। फिर मुझे कुछ रोस्ट खिला दें। रोस्ट? हाँ। क्या खाना है मेरे बेबी कुछ ने? कुछ खिला दे, नहीं तो ये होस्ट खिला दे। नहीं, देखो मैंने तुम्हें इससे बचा लिया,
मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? प्लीज, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। इनकार न कीजिए। आंटी नहीं, छोड़ दो मुझे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लोग करेंगे पब्लिक डिमांड पर, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ में पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। तो सर, हम यहाँ थे कि नून लीग और इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी जो है उसमें काफी इलेक्टेबल जा रहे हैं, और आजकल इसी तरह से कुछ मौसीकार जो हैं, कुछ सिंगर जो है ना, वो कवाल बनते जा रहे हैं। नजर पड़ी होगी आपकी भी। जी जी। आपने कभी सोचा कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लें? मैंने अपने बाल चेंज नहीं किए, मैंने क्या किया? वारिस कभी कवाल बने, ये तो कवाल ही पैदा नहीं होता। कवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत अच्छे। मामा क्या कवाल बात की आपने। अगर वारिस पापा कवाल बन जाएंगे ना, तो मैं फिर बहुत बड़ा चकवंतर बनूंगा। आपके हक पे डाका डल रहा है। कोई बात नहीं, इस डाके की खैर है। मेरा बेटा अगर चकवंदर बन गया ना, तो फिर मिसाल पूरी हो जाएगी। चकवंदर क्या जाने, अदरक का सही। आपने एक से बढ़कर एक प्लेबैक सॉन्ग जो है वो पाकिस्तान के लिए गाया है और हिट सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन अब जो जनरेशन है वो चेंज है, जमाना चेंज है, तो अमार का फ्यूचर आप किस जॉनरा में देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अमार का फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि ये जिस पे काम कर रहा है, ज़्यादा रेगाटॉन और सोलफुल हिप हॉप डिफरेंट। ओके ओके। नहीं बेटा, बुरी बात है, फिर शो में ग्लैमर नहीं रहेगा मेरी जान। कहता है मैं कोस्ट खानी। सर, हमारे यहाँ मेहदी हसन खान साहब ने, मैडम नूर जहाँ ने, और सरहद पार अगर हम देखें तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लता जी ने प्लेबैक सिंगिंग भी की और उन्होंने साथ साथ कॉन्सर्ट भी किए, लेकिन आजकल हमें सिर्फ कॉन्सर्ट सिंगर्स देखने को मिलते हैं। ये अलमिया है या रुझान बदल रहा है, क्या कहेंगे? अब सर वो डिजिटलाइज हो गया चीज़। Exactly. कि आप सिंगर अच्छा नहीं है, उसके व्यूज़ अच्छे हैं तो वो लोग कहते हैं ये अच्छा सिंगर। बिल्कुल ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं यहाँ पे हमारी, वो भी उसके देखते हैं कितने व्यूज़ हैं। भाई आप सिंगर को सुन तो लो पहले। बिल्कुल। और जितने भी हमारे यहाँ पे म्यूज़िक के प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें नया गाना क्या किया उन्होंने? जैसे हमारे बहुत से स्टूडियोज हैं, वोंट नेम एनीबॉडी, मैं बिल्कुल एग्री, उन्होंने पुराने गाने के बुरे हाल कर दिए। आदाब तस्लीमात। कौन है आप? हम हैं प्रमोटर बर्मन। बर्मन शेफर्ड। यो बरशरम। हम प्रमोटर हैं प्रमोटर बर्मन, यू नो। हम यहाँ वारिस बेग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आए हैं। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? एक मकान बन रहा है उसका। ये कोई सवाल है? जाहिर है उन्होंने पूरी दुनिया में अपने कॉन्सर्ट्स किए हैं, कुछ ममालिक रह गए हैं वहाँ के लिए ले जाएंगे। बड़े प्रमोटर हैं ये, बहुत बड़े, 80 साल के। यकीन जानो हम बहुत बड़े प्रमोटर हैं। आइए, रशीद लंगड़े को जानते हो? नहीं। इसको हम ही लेके आए, हमने ही लॉन्च किया है। अच्छा। रफीक डिबरी को जानते हो? नहीं। इसे भी हम लाए हैं। ओ। आबिद उस्तरे को जानते हो? नहीं भाई। इसको भी हम लाए हैं। अच्छा। सलीम पिचकारी को जानते हो? नहीं। या इस नगीने को भी हमने ही तराशा है। मुझे लगता है तुम्हारा मौसीकी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे मुंह पे किसी ने कहा था सही कि ये मुंह और मौसीकी की दाल। अरे बर्मन मियाँ, वो मसूर की दाल होती है। देखो मियाँ, मिसाल भी हमारी होगी, जगह भी हमारी होगी, मुंह सिर्फ तुम्हारा होगा। जैसे आर्टिस्टों के इन्होंने नाम लिए हैं, ये वाकई प्रमोटर है या कबाड़ का काम कर देते हैं? पिचकारी लंगड़ा, ये क्या, ये सिंगर है? नहीं मियाँ, ये सब कराची पुलिस को मतलूब हैं। हम दरअसल वाली कुछ सियासतदान भी हमारे लंगड़े थे, वो भी मतलूब है। अच्छा, हम समझ रहे हैं, वो भी प्लेबैक सियासतदान थे। हम वारिस बेग और अमार बेग का शो करवाना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? इनकार कर दे, ये इंग्लैंड का कह के ना वजीराबाद ले जाएगा। ये हो जे बंदा करो ठुडे खा के दोस्तन के अंडे अंडे वड़े पावे खा के आए। बदनसीब आदमी है, हो जे बंदे नु बीवी पैर नाल चपेड़ा मार दे। सर आप जाएंगे इनके साथ? किन भांड मरासियों को बैठाया हुआ है यहाँ पे? अरे नहीं, वो बड़े मोहतरम लोग हैं ये। हम सबकी मुश्तरका अम्मी है।
अच्छा इसी के लिए शाहरुख कहते थे जी अम्मी जान कहती है ये वो है। उनसे पूछने जिन्होंने जाना है या नहीं जाना आप चलेंगे गाने ही गाता हूँ मैं कौन सा भी अगरबत्तियां भेजता हूँ झाग में। अब बातें किए जा रहे कोई ऑफर बताएं कोई जरा आप ऑफर की फिक्र बिल्कुल ना करें हाँ। हम आपको इतनी बड़ी ऑफर देंगे कि UNO आपको ऑफर ज़दा करार दे देगी। यार ये कौन है ऑफर आदमी। आपकी शक्ल हालत देख कर लगता है कि बस आप पैसे बताएं आप तो बस खाने के रास्ते पैसे कितने टाइम का खाना एक टाइम का खाने खा दे काफी आप भी चलेंगे बेटा मुझे तीन टाइम का खिलाना पड़ेगा ओए ओए। मैं इनसे ज़्यादा खाता हूँ डैड से। मेरे ख्याल में मेरे पास बजट नहीं है। ऑफर इतनी बड़ी तो बजट ही दिखाने मुझे पता है ये बहुत महंगा खाते हैं। और यकीन जानिए अपना बेग साहब और छोटे बेग साहब हम आपको इतने प्रोटोकॉल में ले जाएंगे पहले आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे और आपको इतनी हिफाजत से ले जाएंगे कि कासिम के अब्बू भी अपनी हिफाजत में अदालत नहीं जाते। मुआवजा बताएं मुआवजा काम की बात करें मुआवजा बस मुझे मिलते ही इनको दे दूंगा। काफी कमजोर मुआवजा है आपका। हाँ और हाफजा भी। बर्मन साहब वो कौन से ममालिक हैं जहां आप लेकर जाएंगे अमेरिका जर्मनी फ्रांस वाह कनाडा वाह यहां तो आप जा चुके हैं। तो हम आपको ले जाएंगे मालिया यूथोपिया नाइजीरिया और आखिर में श्रीलंका। इसलिए मिसाल बनी है घर का बेदी श्रीलंका ढाए। बर्मन मुबारक होवे तुहानू जिन्ना मुल्कां च अज तक खुराक नहीं पहुंची उथे तुहानू पहुंचाण लगे। हाँ तुम्हें तो अनाज की पड़ेगी क्योंकि तुम अनाज खत्म करने वाली मशीन लेके घूम रहे हो। मम्मा ये है कौन बेवा औरतों के वजीफा खाने वाला। एक दफा हमने तुम्हारी वालदा के वजीफा क्या खा लिया तुमने तो बातें ही बना ली। बेटे तुम्हारी जुगत के चक्कर में अम्मी तो गंदी हो गई। देखे मोहसिन हमारे भी क्या मुकद्दर है लोग अमरीकी एजेंट होंगे ने अफ्रीकी एजेंट निकल। मामा अंकल की शक्ल देखे ब्लैक मांबा लग रहे हैं। इनका तो शोले फिल्म में बहुत जिक्र हुआ है। Really? वो बात बात पे कहता नहीं था अरे ओ मांबा। अंकल अंकल आप ना मुझे अपने साथ ले चले मैं भी बड़ा अच्छा गाता हूँ। हम पूछ लेते हैं वारिस बेग साहब आप ढोल बजा लेते हैं। नहीं तो आप नहीं जा सकते। होता रहेगा अमर बेग और वारिस बेग साहब का कॉमेडी रिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। और अब तशरीफ लाते हैं पब्लिक डिमांड की फखरिया पेश कर स्टैंड अप कॉमेडी के बेदार बादशाह शकील से देखे साहेब। तुम इंडिया गए थे ना जी तो इंडिया के बारे में बताओ। इंडिया के बारे में क्या बताऊं वारिस भाई इंडिया में पता आपको कि इंडिया और पाकिस्तान का एक जैसे मिजाज है खाना पीना रोना धोना वहाँ भी सड़कें खुदी हुई है हमारे भी खुदी हुई है वहाँ भी बीवियाँ टेंशन देती हैं यहाँ भी देती हैं बस वहाँ पे क्या जुबान का फर्क है लैंग्वेज प्रॉब्लम है वहाँ पे कॉकटेल हिंदी बोली जाती है क्या कर रहा बिड़ू किधर जा रहा ए वांटा में लाकर आप चिक दूं क्या यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोली जाती है। मेरी तबीयत खराब हो गई मैं दो दिन रुका मुझे बुखार आ गया मैं डॉक्टर के पास चला गया वो शुद्ध हिंदी बोलता था मैं डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है कहने का चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा किसकी क्या नहीं है कहना चिंता की आवश्यकता नहीं है मैंने कहा वो है कौन मुझे बताओ कहना भाई टेंशन नहीं लो मैंने कहा ऐसे बोला यार तो कुछ दवाई दो बोला अभी लिख के देता हूँ उसने दो टैबलेट लिख के दी कहने ये खा के शांति के साथ सो जाना। मैं खुश हो गया मैं कहा कोई नई ट्रीटमेंट है मैं खुश हुआ है खातून निकल के आई मैंने कहा आ गई शांति हो गया पार्वती इनको मिक्सर भी दे दो। फिर लोगों ने मुझे बताया शांति आराम को कहते मुझे आराम आ गया। फिर वहाँ से मैं चला गया होटल की तरफ मैंने कहा कोई अच्छी चीज़ ले आओ यार पका के वो जुबान पका के ले आया मैंने कहा ये क्या है कह रही है जुबान है साहब ये इंसान को अच्छा कराती है यही बुरा कराती है। वाह मैंने कहा भाई मैं मुंह से निकली हुई चीज़ नहीं खाता। अंडा खाते हैं आप वही कह रहे मेरी पंचलाइन आपने बोल दी। अब एक काम करें आप इधर आ जाए मैं उधर बैठ के गाना खराब करता हूँ आप इधर कॉमेडी करके बात आपने यहाँ अंडा लेना कल आपने तो मुतक्का ही लगा लिया यार। अच्छा छोड़ो छोड़ो खुशकिस्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं वेरी सिंपल अनमैरिड। मेरी बात सुनो
तुम्हें ना अब शादी कर लेनी चाहिए। भाई मैं नहीं कर रहा, सुना बच्चे हो जाते हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ क्या शादी, पता क्या शादी करनी चाहिए अपना मोहसिन, शादी करनी चाहिए अपने वारिस भाई, शादी करनी चाहिए। पता वजह क्या है, जब आप दोजख में जाओ लगे अपने ही घर आए। शादी पता मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे एक दोस्त है, वो अपनी बीवी को लेके कहीं जा रहा था, ठीक है, एक आदमी वहाँ ना थोड़ा दूर में ना टन था, फुल टाइट यूं यूं। बीवी ने अपने मियाँ से कहा उस आदमी को देख रहे हो? बोला हाँ देख रहा हूँ, क्या हुआ? बोला 10 साल पहले इस आदमी ने कहा था मुझसे शादी करोगी, मैंने इसको मना किया, जब से पीर आई। मियाँ करो इतना लंबा जश्न तुम क्यों नहीं कर रही शादी, कब करोगी जब मुझे निकल आएंगी? आइडियल का बड़ा मसला है, इस आइडियल के चक्कर में कई लड़कियां घर में बैठा बैठा नानी दादी बन गई। और लड़कों से पूछो या लड़कियों से पूछो तुम्हें कौन पसंद है, अल्लाह शाहरुख खान जैसा मिल जाए, सलमान खान जैसा मिल जाए, हुमायूं सईद जैसा मिल जाए, शकील भाई जैसा मिल जाए, फवाद खान जैसा मिल जाए, आखिर में वही फुप्पी का बेटा कल्लू फत्तू नथु उसी की टांग दबा रही, तो ये मेरा शाहरुख शाहरुख बेटा उसकी आंखें नहीं मिल रही, सलमान खान लेटा पान की पी लिया, हुमायूं सईद लेटा एक फाटक बंद है। ओ भाई जहाँ मिलती है जो मिलती है कर लो, सबका अंजाम एक ही है। शादी की शुरू में बड़ा मजा आता है। अच्छा। ओए ओए बड़ी इज्जत होती है दूल्हे की। हाँ। ओए ओए दूल्हे की जब शादी होती है शादी, अरे भाई बैठो बैठो आ जाओ। बिल्कुल। वही दूल्हा स्टाफ पे खड़ा हो 6 महीने के बाद कोई मुंह नहीं लगा रहा होता है, उससे पूछो कहाँ जा रहा, आटा लेने जा रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। अम्मा ने बोला शादी कर ले, मैंने कहा कोई काम है, ये तो काम गले ही पड़ गया मेरे। शादी के शुरू में इज्जत बहुत होती है, मियाँ को उठाती ना बीवियाँ शुरू में, जानी उठ जाओ बुखार से हो जाओ, हाय 1.5-2 साल बाद ऐसे उठाते हैं जैसे कुली स्टेशन में कुत्ते नहीं उठाते, उठ निकल काम पे। और वाकई ये पहले पहले सारी बातें होती हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, शादी तो 20 साल बाद बंदा कह रहे हो तो खुरक। अरे एक लड़की एक लड़के के लिए अपने माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते छोड़ के आती है, वही लड़की फिर जब आती है तो उसका माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सब छुड़वा भी तो देती है। रिवेंज बदले। आप टिकटॉक पे काफी फेमस हो, तो मुझे ये बताइए कि अपने अब्बू के साथ आपने कोई टिकटॉक बनाई है? मुझे अभी तक मौका नहीं मिला डैड के साथ टिकटॉक बनाने का, बट आई वुड लव टू। उनका अपना टिकटॉक नहीं है तो मैं कैसे किसी को टैग करूंगा ऐसा कुछ। देखिए अमार के अबू तो टिकटॉक पे नहीं है लेकिन कासिम के अबू आ गए हैं। सबसे ज्यादा फॉलोवर्स भाई। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ बाथरूम ही दे रहे। यार तुम्हें अपने 10 रुपए से मतलब है, मैं जाऊंगा तो दो दूंगा। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपके एल्बम में जो भी लड़की आती है या तो वो तलाक याफ्ता हो जाती है या शादी नहीं होती, इसकी क्या खास वजह है? वो आपने सुना ना, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। वाह, तो वो खुश नसीब है उनकी शादी नहीं हुई तो हम मेरे साथ हैं। ओए होए, ना होने की वजह खुश नसीबी है। फारस साहब मेरे साथ टिकटॉक बनाए को 20 मिनट था। आपको कैसे पता मैं 20 मिनट का टिकटॉक बनाता हूँ? अब हम आपका एक बहुत सख्त इम्तिहान लेने वाले हैं, इसमें कुछ नाम लेने जा रहा हूं और आपने बताना है कि आपको उनमें से कौन से पसंद हैं, मेहदी हसन खान साहब या गुलाम अली खान साहब? टू बी वेरी ऑनेस्ट गुलाम अली खान साहब। अमार आपको? गुलाम अली खान साहब। ओके, आबिदा परवीन साहिबा या फरीदा खान साहिबा? मुझे फरीदा खान। आबिदा जी पहला तो हमने दरार डाल दी बाप बेटे में, दरार डाल दी। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि आबिदा जी बिल्कुल और क्लास है और फरीदा जी गजल में मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं लेकिन हमने 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 वो दरार डाल दी जो हमें चाहिए। चौधरी बरादरान वाली बात होगी ना कि एक पीटीआई में और एक एक हमें पाकिस्तान में। साहिर अली बग्गा साहब या वक्कार अली साहब? वक्कार। वक्कार अली। ओके, आई लाइक साहिर अली बग्गा। यू लाइक साहिर? ओके, आप लोग अलग अलग गाड़ी में वापस जाने वाले ना। सज्जाद अली साहब या अहमद जहां से? सज्जाद अली। सज्जाद अली हैंड्स डाउन। ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मुझे सज्जाद भाई को कोई गाना सुनाए। देखिए सज्जाद भाई हम सबके फेवरेट हैं। सज्जाद भाई आपके लिए खास ताली है। ये वाओ, लेजेंडरी स्टार सज्जाद। जरा भी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसी नु सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल के
मैं जख्मा दी था तेरोड़ना जे तो कदी रावी लंघ जाए हयाती पंजाबी लंघ जाए मैं पानी विचों सान छोड़ना मैं पानी विचों सान छोड़ना आप अच्छा अब मैं कुछ शख्सियत के नाम लूंगा और आप इन्हें कोई गाना डेडिकेट करेंगे लेकिन एक शर्त है गाने से पहले सदका जरूर देके जाइए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कौन सा गाना डेडिकेट करने वाले हैं क्योंकि मियां साहब को गए हुए काफी देर हो गई तो जी जी एक लाइन उनके लिए कहें जी प्लीज मियां तू अब तो आ जा सोला सामन बहके आगे भुलाया तन की ज्वाला ठंडी हो जा ऐसे गले लगा मियां जी यू माय डार्लिंग मियां जी एंड पे इन्होंने जो कहा है ना माय डार्लिंग हेलो हेलो अमार ने मेरे लिए कहा है आप कहाँ लेके जा रही हैं बात को हाँ सही बात है 15 मिनट बाद तुम्हारी शेप निकल आएगी सर एक बात बताएं वैसे आपके क्योंकि काफी अच्छे ताल्लुकात हैं वाकई ही आ रहे हैं बिल्कुल 100% आ रहे हैं कब आ रहे हैं इंशाल्लाह सितंबर में सितंबर में आ रहे हैं अजी सुनते हो ये मियां जी आ गए मियां जी आ गए चलो आपकी अम्मी के मियां जी नहीं आ गए मियां शहबाज शरीफ साहब खादम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहां जनाब शहबाज शरीफ साहब को मौलाना फजल रहमान साहब को क्या कहें उनके लिए उनके लिए है सदर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दे ये फायदा होता है जीसी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने का अब बारी आ गई है जरा हम सूबा बदलते हैं आसिफ अली जरदारी साहब मैं भी खरीदार हूं मैं भी खरीदार वोट कहां मिलता है पता बता बल्कि बनते हैं मैं भी खरीदार हूं मैं भी खरीदूंगा वफाक कहां बिकता है पता बता ओके सो राणा सनाउल्लाह साहब हमको राणा जी माफ करना गलती मारो से हो गई और कासिम के अब्बू के लिए एक नगमा जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जीत जाएंगे हम अगर तू संग है आपके डैड ने तो डेडिकेट कर दिए सियासतदानों को गाने लेकिन अब आपकी बारी है आपने डेडिकेट करने हैं हसीनाओं को कुछ गाने और नाम मैं बताऊंगी सो पहला नाम है हानिया आमिर चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या बात वाह वाह सोचा भी नहीं एकदम ही उन्होंने कहा दिया हाँ तो ये सहूलत हासिल है उन्हें ये भी हो सकता है ना उन्होंने पहले ही उसके लिए सोचा हो मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ है मामला मैंने इसीलिए भारत साहब को कहा कि जरा लड़के पे नजर रखें मोहसिन हाँ जी असल में ये गाना अमार ने मुझे डेडिकेट किया है आप बहरी हो जाती हैं जब हम नाम ले रहे थे हानिया आमिर के लिए किया है अच्छा चलिए अमार मैं भी शायद
I really like Mehvish Hayat. I'll dedicate a song for you. Please do. Chand chupa badal mein sharma ke meri jana seene se lag ja tu bal kha ke meri jana. लड़का हाथों से निकल रहा है, संभालिए. सीगा दुरुस्त करे, चुका है. अच्छा, चुका है जी. और मायरा खान के लिए आप क्या डेडिकेट करेंगे? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा आसमां, ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला दूसरा तीसरा प्यार है. ओके ओके ओके. अरे मजे के बाद देखो, तीनों को ही चांद कहा है. सर, हमारे शो की यानी पब्लिक डिमांड की एक नई ट्रेडिशन है कि हमारे जो मोहतरम मेहमान आते हैं, हम उनको एक माहिया डेडिकेट करते हैं. अगर आप इजाजत दें तो आप दो माहिये करें. अरे सुने दी देग होवे ओए, भाई सोने दी देग होवे, ओथे मिला सज जाना, जिते वारस बेग होवे. बहुत अच्छे. और बात यहाँ खत्म नहीं हुई. अब अमार मियाँ ने हमारे पब्लिक डिमांड को जितना मेलोडियस कर दिया है, उनकी नजर भी तो कुछ बनता है ना. बनता है, बनता है. ओ सारा जग दीवानाए ओए, वाह क्या बात. भाई सारा जग दीवानाए ओ, राहत खां सुन दे अमार दा गानाए. तो आप, हम आपको जहमत देंगे कि जो काम आपने शो के आगाज में अधूरा छोड़ा था, वो उसके अंजाम पे मुकम्मल कर दे. यानी वो गाना के जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है, हो जाए. आप लोग सर मुझे ज्वाइन करेंगे? यस प्लीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट बिग थिंग हमारे पे है वो. ओके, सो अब जब महफिल जवान है तो लगे हाथ में आपको बता दूं कि जितना इन लोगों ने आपको तंग किया शो में, अब आपका वक्त आया है कि आप इनसे बदला ले सकते हैं. रिटर्न द फेवर. या एग्जैक्ट. सो बेसिकली हमारे इस पब्लिक डिमांड की एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमारा एक अछूता सा सेगमेंट है जिसका नाम है हैप्पी रोस्टिंग. सो अब आपको मौका मिलेगा हम सबको रोस्ट करने का. सबसे पहला ये शख्स, शकील भाई. शकील भाई ऐसे दमाद हैं जहां जिस घर में भी जाते हैं उनको मार जरूर पड़ती है. और ऐसा क्यों होता है भाई? कहीं अफसोस करने भी जाए तो लाफ्टर ज्यादा मिल जाता है. ओके, सेकंड पे है हम सबकी मुश्तरका अम्मी यानी वाजिद साहब. इनके लिए ये है कि मोहल्ले में कहीं भी चोरी हो जाए तो कसम वाजिब बहन पानी. बहुत अच्छे. अमार, एक नौसरबाज ने इनको नशे वाली चीज पिलाई, ये उनके दोस्त हो गए. ओके, ये इतनी हसीन अम्मी का ये हैवीवेट बेटा जो आपका गंडापन सिगरेट भी होने वाला है, इसके लिए क्या कहेंगे शहरी? शहरी भाई के लिए ये है कि ये किसी कर दे खत्म होवे ना, वो अपनी देगा चुके किसी और का ले. जी अमर, व्हाट डू यू थिंक? शहरी भाई को मुझे लगता है ये किसी शादी पे भी अगर जाते हैं ना तो ये दूल्हे से जाके उधार मांगना शुरू कर देगा. और दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये सच है. और ये आपकी जबरदस्ती की बहू, इनके लिए, ये फलक के लिए मैं बताता हूँ, ये साल में कोई इतना शौक इन गिफ्ट लेने का, ये साल में 25-26 साल के रख लो. तो मैं भी गया. ओके, सो आप बारी हमारी बची कुछ होस्ट इनके लिए. सुमेरा, एक एक जुगत
ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨੇ ਡਾਂਸ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈ और अब हमारे होस्ट के लिए प्लीज इनको भी करें आप रोस्ट। इनके लिए ये है कि ये कोई भी प्राइम लोकेशन पे गुजरते हैं ना तो उसे सोचते हैं ऐसे मेरा पलाड़ कदों आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन पब्लिक न्यूज़ पे इतना चलता रहेगा कॉमेडी रिमार्क देखते रहिए पब्लिक।